हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ड्रग डिजाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, इसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। सो ड्रग डिजाइन इस स्पेसिफिक सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप परसू यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, तो आपको ये जो स्पेसिफिक सिलेबस है आपके एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट थ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दूसरे सेमेस्टर में या दूसरे यूनिट में भी हो सकता है, आप अपना बस मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ड्रग डिजाइन में जो है स्पेसिफिक जो है आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो मेन जो सिलेबस है ये आपको कवर करना होता है। पहला जो टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, प्रोड्यूसर्स फॉलोड इन ड्रग डिजाइन। एंड सेकेंड जो टॉपिक है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेड कंपाउंड एंड लेड मॉडिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग्स एंड सॉफ्ट ड्रग्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत रिजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं। सिक्स जो टॉपिक है, दैट इज थ्योरी ऑफ ड्रग एक्टिविटी, ऑक्यूपेंसी थ्योरी, रेट थ्योरी एंड इंड्यूस फिट थ्योरी। एंड जो सेवन टॉपिक है, दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स, लिपोफिलिसिटी एंड फार्माकोफोर्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दैट इज टिपिकल रेंज ऑफ फार्मामीटर्स रिलेटेड इन ड्रग लाइकनेस। एंड जो 13 टॉपिक है, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करने हैं ड्रग डिजाइन यूनिट में, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको डिटेल में समझना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा, जिससे आप इसको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए आप उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब पीडीएफ नोट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस सभी टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर हैंडरिटन नोट्स आपको चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट इंस्टामोजो की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर कंप्लीट हेरिटेज नोट्स के लिए। इसके अलावा कई टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको चैनल में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस स्पेसिफिक यूनिट से, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये परसू रायपुर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है एंड इस यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है, दैट इज कि आपको जो है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस एंड 5 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो उस परसू यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। 2018 की क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, तो उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दैट इज व्हाट इज QSAR, ठीक है। QSAR क्या है, ये जो है आपको पूछा गया था 2 मार्क्स में 2018 में। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था, दैट इज लेड मॉडिफिकेशन, लेड मॉडिफिकेशन क्या है। एंड 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस थे, विच टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग बायो एक्टिविटी ऑफ ड्रग एंड व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। एंड 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस थे, दैट इज व्हाट आर ड्रग्स, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरी एंड फोर्स इन्वॉल्व इन ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शंस एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टिपिकल रेंज ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड टू ड्रग लाइकनेस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो है कुछ जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया रहेगा वो डायरेक्ट जो है आपका पूछ लिया जाएगा, तो उसको आप बहुत इजिली कवर कर पाएंगे। कुछ जो है घुमाकर पूछे जाते हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो उस क्वेश्चंस को आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR यहाँ पे पूछा गया है 2 मार्क्स में, तो आपका उसका जो है बेसिक डिफाइन आपको कर देना है, ठीक है। एंड 5 मार्क्स में जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको कवर करना होता है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं तो दोनों पढ़िए अच्छे से, जिससे आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। बेसिकली आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं तो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है एंड पूरा सिलेबस आप पढ़ते हैं डिटेल से, तो आपका क्वेश्चन पेपर में जो बाकी टाइप के जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस थे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट पिगमेंट, ठीक है। सो ये प्लांट पिगमेंट पार्ट का है, ये पूछ लिया गया है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इस ये नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। एंड 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द टिपिकल रेंज पैरामीटर ऑफ ड्रग रिसेप्टर, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
फाइव मार्क्स में दो क्वेश्चन थे, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग, ठीक है, डिस्कस द वेरियस पॉसिबल अप्रोचेस इन डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स बाय अप्लाइंग वेरिएशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटोटाइप्स, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू ड्रग बनाने के लिए, डिस्कस द वेरियस पॉसिबल अप्रोचेस इन कौन कौन से अप्रोच हैं जो हम न्यूअर ड्रग बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए अप्लाई करते हैं, वेरिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटोटाइप्स, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जो है इंडिविजुअल क्वेश्चंस पेपर लेके भी ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है इस स्पेसिफिक यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा 2020 के क्वेश्चंस पेपर अगर हम देखें तो इसमें टू मार्क्स के दो क्वेश्चन थे, व्हाट आर सॉफ्ट ड्रग्स, डिफाइन फार्माकोफोर्स, ठीक है, दोनों को आपको बेसिक डिफाइन करना है। तीन मार्क्स का क्वेश्चन था, दैट इज डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है, न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो सिग्निफिकेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड फाइव मार्क्स का जो क्वेश्चन था, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जनरली आपको जो है परसों यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए फाइव मार्क्स के लिए दो पेजेस में आपको फाइव मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था, दैट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ QSAR एंड QSR, ठीक है। सो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो आपका ड्रग एक्टिविटी का जो थ्योरी है उसको आपको डिटेल में समझाना है। एंड सेकंड जो टाइप है, दैट इज ऑल्सो QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है टू एंड हाफ मार्क्स में पूछ लिया गया है, एंड वहां पे आपको जो है टू मार्क्स में पूछा गया था। तो QSAR यहाँ पे मतलब ये QSAR जो टॉपिक है इसको आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको एक पेज में कवर करना है, एंड वहां पे जो पूछा गया था टू मार्क्स में पिछले जो हमने डिस्कस किया वहां पे आपको हाफ पेज में कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी टॉपिक को कितना पढ़ते हैं, ठीक है। अगर डिटेल से पढ़ते हैं तो आप इस हर टाइप के क्वेश्चन जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है, उसी को आप शॉर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। कोई एक टॉपिक को आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है, जिससे आप उस टॉपिक को डिटेल में भी लिख पाए, उसको शॉर्ट भी कर पाए, उसके बेसिक पॉइंट्स को कितने नंबर के अकॉर्डिंग आता है उस अकॉर्डिंग आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपनी तैयारी करना है। इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से बेसिक आपको ये पता चलता है कि अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं, सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करें अच्छे से, जिससे आप हर टॉपिक हर एक क्वेश्चंस को जो है कवर कर पाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ स्टोर जरूर चेक कीजिए। ये जो नोट्स है ये स्पेशली इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, सो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दिस पीडीएफ स्टोर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।